छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके की 18 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। सुबह 7 बजे से 10 सीटों पर जबकि बाकी 8 सीटों पर 8 बजे से शुरू हुआ मतदान। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, कई जगह के रास्ते बंद। कांकेर और रमन सिंह के गढ़ राजनंद गांव में वोटिंग मशीन खराब होने के कारण रुका मतदान। नहीं रहे संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, 59 साल की उम्र में बेंगलुरु में ली अंतिम सांस। कल होगा अंतिम संस्कार। बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज ग्राउंड में श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू, प्रधानमंत्री मोदी समेत पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने जताया दुख। अपने संसदीय क्षेत्र और भगवान शिव की नगरी काशी को पीएम मोदी आज देंगे तोहफा। 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ, जिनमें गंगा नदी पर बने पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल, राष्ट्रीय राजमार्ग 56 का चौड़ीकरण का कार्य, वाराणसी रिंग रोड फेज 1, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। सीबीआई में चल रही तकरार पर सीवीसी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीवीसी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना पर आरोपों की हो सकती है गहन जांच। लगातार आज भी कम हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 17 पैसे कम होकर 77.56 रुपए प्रति लीटर पर, तो वहीं डीजल के दाम 15 पैसे कम होकर 72.31 रुपए प्रति लीटर पर।